हाय गाइस, आपका स्वागत है द न्यू ट्रिकल चैनल पे। मेरा नाम है निताशा सिंह और आज हम करने वाले हैं वीवो के Y15 की अनबॉक्सिंग, जो कि हमारा वीवो की तरफ से एक और बिग बैटरी वाला डिवाइस है। देखा जाए तो वीवो काफी सारे जल्दी जल्दी अपने डिवाइसेस लेकर आ रहा है जिनके अंदर हमें बिग बैटरी देखने को मिल रही है। तो चलिए फटाफट से इसकी अनबॉक्सिंग करके देखते हैं कि इसके अंदर हमें बिग बैटरी के साथ और क्या क्या मिलता है। सबसे पहले हम डिवाइस पे नजर डालेंगे। ये रहा हमारा डिवाइस और मेरे पास इसका ब्लू कलर है। सो ये रहा हमारा वीवो का Y15। देखने में डिवाइस हमारा काफी सही लग रहा है और इस डिवाइस का मेजर हाईलाइट, जैसे कि मैंने आपको बताया, 5000 mAh की बड़ी बैटरी है, तो इसके अंदर हमें थोड़ा सा वेट इसका ज्यादा मिलता है। 190 grams का ये डिवाइस है हमारा। और इसके डायमेंशन की बात करूं मैं तो 159.4 इसकी हाइट है, 76.8 इसकी विड्थ और 8.9 mm इसकी थिकनेस। और इस डिवाइस के अंदर हमें प्लास्टिक बॉडी मिलती है, साथ ही आप देख सकते हैं नीचे की साइड हमारे पास माइक्रो USB पोर्ट है, साथ में 3.5 mm हेडफोन जैक भी है और आपके पास स्पीकर ग्रिल है, साथ में माइक्रोफोन है। इसके अंदर हमें ट्रिपल स्लॉट मिलता है, साथ में आपको पावर बटन्स और वॉल्यूम रॉकर्स मिलते हैं और फ्रंट साइड में हमारे पास वाटर ड्रॉपलेट डिज़ाइन है डिस्प्ले के अंदर और स्क्रीन गार्ड भी लगा हुआ मिलता है आपको इसके डिवाइस पे। साथ ही बैक में हमें ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है और उसके साथ LED फ्लैश है, साथ में फिंगरप्रिंट स्कैनर हमें फिजिकल वाला मिलता है और उसके साथ है हमारी वीवो की बैजिंग। ओवरऑल देखा जाए तो डिवाइस हमारा डिज़ाइन एंड लुक वाइज तो काफ़ी सही लग रहा है, थोड़ा आपको शाइनीनेस मिल रही है, लेकिन इसके अंदर फिंगरप्रिंट्स हमारे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो आपको अगर बिना कवर के यूज़ करोगे तो बार बार क्लीन करना पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं, हम नज़र डालते हैं इस डिवाइस के बैक कैमरा में, जो कि है हमारा ट्रिपल कैमरा सेटअप, जिसमें से पहला है हमारा 13 MP का मेन कैमरा जिसका अपर्चर है 2.2। उसके साथ है हमारा 8 MP का वाइड एंगल जिसके अंदर आपको 120 डिग्री का एंगल मिलता है और 2.2 अपर्चर है उसका भी। साथ में 2 MP का हमारे पास डेप्थ सेंसर है, उसका अपर्चर है 2.4। एक्चुअल में देखा जाए तो अपर्चर साइज काफ़ी ज़्यादा रखा है, मतलब मेन कैमरा जो है हमारा 2.2 अपर्चर है। पिक्स पे अगर आप नज़र डालें तो आप देख सकते हैं कि ये है हमारी नॉर्मल मोड की पिक। एक्चुअल में अपर्चर साइज थोड़ा ज़्यादा है तो उसकी वजह से पिक्स थोड़ी सी डार्क आ रही हैं। और ये आप देख सकते हैं, ये हमारा वाइड एंगल है, वाइड एंगल अच्छा आ रहा है, बढ़िया एंगल आ रहा है इसके अंदर। और उसके साथ ये आप देख सकते हैं, ये हमारी बुके मोड की पिक्स हैं। बुके मोड के अंदर हमारा एज डिटेक्शन जो है वो इतना बढ़िया नहीं रहा और उसके साथ ओवरऑल देखने में पिक्स के अंदर थोड़ी डार्कनेस है, मतलब अपर्चर साइज अगर थोड़ा कम कर देते और ऐसे तो कर देना चाहिए था, तो पिक के अंदर थोड़ी लाइट हमारी ब्राइटअप हो जाती, उस हिसाब से पिक्स इतनी बढ़िया नहीं लग रही है, कैमरा थोड़ा इम्प्रूव किया जा सकता था। और इसके साथ ये हमारे सेल्फी कैमरा की पिक्स, इसके अंदर हमें 16 MP का सेल्फी कैमरा मिलता है। उसके अंदर आपको नॉर्मल मोड, ब्यूटी मोड, AI ब्यूटी मोड, पोर्ट्रेट मोड, लाइव फोटो, ये सारे मोड्स मिल जाते हैं। पिक्स इसके अंदर हमारी ओके आई हैं, बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं कहेंगे लेकिन हमारी बजट के हिसाब से काफ़ी ओके पिक्स आई हैं। इसके बाद नजर डालते हैं हम इस डिवाइस के डिस्प्ले के ऊपर। इसके अंदर हमें मिलता है 6.35 इंच का वाटर ड्रॉपलेट डिजाइन डिस्प्ले के अंदर और HD+ रेजोल्यूशन मिलता है। ये एक्चुअल में बहुत ही मुझे गलत लगा, मतलब अब तो देखा जाए तो 10,000 रुपए के बजट के नीचे भी जो फोन आते हैं वो भी फुल HD+ देते हैं, उनमें भी HD नहीं मिलता। तो इस बजट के अंदर, इस डिवाइस के अंदर वीवो को HD नहीं देना चाहिए था, फुल HD ही देना चाहिए था। अब इसके बाद अगर हम इस डिवाइस के प्रोसेसर की बात करें तो उसके अंदर भी हमारे पास गड़बड़ है, क्योंकि हमें मिलता है मीडियाटेक हीलियोस P22 का प्रोसेसर। उसके साथ आपको फ्रंट टच OS 9 का इंटरफेस मिलता है, साथ में आपको 4GB RAM, 64GB इंटरनल मेमोरी मिलती है जिसको आप डेडिकेटेड स्लॉट के थ्रू एक्सपैंड कर सकते हैं मेमोरी को। और इस डिवाइस का जो प्राइस है 4GB RAM 64GB वाले का, वो है 14,000। वैसे मैंने खरीदने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो जो इस बजट में हमें स्नैपड्रैगन 710 का, स्नैपड्रैगन 675 का प्रोसेसर मिल जाता है, तो हीलियोस P22 का प्रोसेसर बहुत छोटा हो गया, बहुत कम हो गया। इसका एंटीटू स्कोर भी मैंने निकाला है, मतलब वो हमारा देख सकते हैं 78,000 आया है। मतलब आज की डेट पे तो 6-7 हज़ार रुपये के बजट में हमें ये प्रोसेसर और ये स्कोर मिलता है, जो कि वीवो ने हमें 14,000 के बजट में दिया है। वैसे इसके अंदर आपको एक अल्ट्रा गेमिंग मोड मिल जाता है, जिसके अंदर आपको डुअल टर्बो मोड मिलता है, कॉम्पिटिशन मोड भी मिलता है। उसमें कह रहे हैं कि गेमिंग परफॉर्मेंस आपको बहुत ही ज़बरदस्त मिलेगी। ये तो छोटी गेम चल रही है, लेकिन मैं पबजी का टेस्ट जल्दी करके देखूंगी इसका, कि वो जो हमारा अल्ट्रा गेमिंग मोड है उसकी मदद से गेमिंग परफॉर्मेंस में क्या डिफरेंस आएगा। मतलब प्रोसेसर तो इतना छोटा है, बट एक्चुअल में डिफरेंस आएगा क्या।
तो वो तो आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा मेरे TNG गेमिंग चैनल पे, और मैं ट्राई करूंगी कि जल्द से जल्द मिल जाए। अब जैसे कि इस डिवाइस के अंदर हमें 5000 mAh की बड़ी बैटरी मिलती है, तो आइए इसके बॉक्स पे नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले तो आप ये देख सकते हैं, ये है हमारे कुछ डॉक्यूमेंट्स, साथ में ये है बैक केस, नॉर्मल ट्रांसपेरेंट TPU केस है ये हमारा। और कवर चढ़ाने से पहले मैं डिवाइस को एकदम क्लीन कर लूँ, वरना फिंगरप्रिंट्स और गंदी लुक देंगे जो आ रहे हैं इसके ऊपर। सो आप देख सकते हैं कवर हमारा बढ़िया लग रहा है। और इसके साथ ये है हमारा ट्रेवलर अडैप्टर, जो कि 10 वॉट का चार्जर है, आपको इसके अंदर फास्ट चार्जर नहीं मिलता। साथ में ये है हमारी माइक्रो USB केबल, क्योंकि माइक्रो USB पोर्ट है हमारा इसके अंदर। साथ में ईयरफोन्स हमें नहीं मिलते हैं। इसके साथ इस डिवाइस के अंदर हमें फेस अनलॉक, फिंगरप्रिंट लॉक मिल जाता है। आप देख सकते हैं फेस अनलॉक हमारा ठीक परफॉर्म कर रहा है, और फिंगरप्रिंट लॉक को ट्राई कर लेते हैं। फिंगरप्रिंट लॉक हमारा काफ़ी फास्ट है, काफ़ी क्विकली हमारे डिवाइस को अनलॉक कर रहा है। इसके बाद इस डिवाइस के अंदर हमें काफ़ी सारे और भी फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि आपको वाईफाई, ब्लूटूथ, हॉटस्पॉट, OTG सपोर्ट तो मिलता ही है, साथ में अल्ट्रा गेम मोड भी मैंने आपको बता दिया, उसके साथ आपको डू नॉट डिस्टर्ब मोड मिलता है, उसके साथ आपको मोटर बाइक मोड मिलता है, मतलब जब भी आप या तो मीटिंग में हो तो डू नॉट डिस्टर्ब को ऑन कर सकते हैं, अगर आप ड्राइव कर रहे हो तो आप कॉल से अगर डिस्टर्ब ना होना चाहते हो तो मोटर बाइक मोड को ऑन कर सकते हैं। साथ ही इसके अंदर हमें जो भी असिस्टेंट मिल जाता है, जिसके अंदर आपको स्मार्ट कैमरा, स्मार्ट सीन मिलता है, ये हमारे Vivo के डिवाइसेस में नॉर्मली मिल जाता है। और इसके साथ आपको स्मार्ट मोशन, स्मार्ट मिररिंग, स्मार्ट स्प्लिट, वन हैंड ऑपरेशन, एस कैप्चर, ऐप क्लोन, स्मार्ट क्लिक जैसे फीचर्स मिलते हैं। और साथ में आपको एक्सेलेरोमीटर, एम्बिएंट लाइट सेंसर, प्रॉक्सिमिटी, ई कंपास और गायरोस्कोप जैसे सेंसर्स भी मिल जाते हैं। सो ये था हमारा Vivo का Y15, जिसके अंदर हमारे पास बिग बैटरी तो है 5000 mAh की, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि ये डिवाइस हमारा अभी इतना वैल्यू फॉर मनी नहीं है। मतलब परफॉर्मेंस को थोड़ा बढ़ाया जा सकता था, फुल HD डिस्प्ले दिया जा सकता था, मतलब थोड़ा सा कैमरा भी इम्प्रूव कर देते तो डिवाइस हमारा थोड़ा बढ़िया हो जाता। अभी ये मुझे इतना वैल्यू फॉर मनी नहीं लगा। फिर भी अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो इसको खरीदने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है, और इसके साथ इसकी टेस्टिंग भी मैं जल्दी जल्दी करती चलूंगी और आपको मिल जाएंगी मेरे टेस्टिंग चैनल्स पे। सो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मैं जल्द वापस आऊंगी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ। सो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।